आरटीई का कुछ भुगतान हमने कर दिया है, शेष बचा भुगतान भी हम बहुत जल्दी करेंगे, ये आपको मैं आश्वस्त करता हूं। मित्रों, बहुत बड़ी समस्या आपके सामने, जब विद्यालय प्रारंभ करते हैं तो मान्यता के लिए जाते हैं तो आपको जमीन का जो किराए नामे का भी रजिस्ट्री करानी पड़ती है और रजिस्ट्री की राशि जो होती है बहुत बड़ी होती है। मैंने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि एग्जामिन कीजिए इसको, क्यों नहीं हम नोटरी कराकर हमको कागज प्रस्तुत कर दे किराए नामे के, उसी को आप दे दें, उस पर एक्सरसाइज प्रारंभ हो गई है, बहुत जल्द ही रिजल्ट आने वाले हैं। एक और बात आपके सामने आती है कि जो बड़ा विद्यालय बड़ी फीस लेता है, लेगा या लेता है, उसकी भी मान्यता की इतनी फीस, और जो सामान्य सा विद्यालय होता है, छोटा सा विद्यालय होता है, उसकी भी इतनी फीस। तो हमने सुनिश्चित किया है कि इसको हम चार श्रेणियों में बांटेंगे ताकि आप लोगों को कुछ राहत मिल सके। मैं ये सारी बात इसलिए कह रहा हूं कि मैं इस दौर से गुजरा हूं, मैंने कोई विद्यालय तो नहीं चलाया लेकिन मैं गरीबी से गुजरा। जब मुझे दसवीं की परीक्षा देने की बारी आई तो मार्ट साहब ने कहा भैया बोर्ड का फार्म भरना है, ऐसा ही बोलते थे, बोर्ड की परीक्षा का फार्म भरना है। 30 रुपया फीस थी उस समय, अभी का पता नहीं कितनी होती है, कितनी है 650, उस समय 30 रुपये फीस थी। मेरे पिताजी तो साधारण मजदूर और माँ मजदूर थी, 2-4 बीघा जमीन थी। मैंने मेरी माँ से कहा कि माँ मैं पिताजी तो क्या कहूँ, मुझे ध्यान है कि पैसा तो है नहीं, तो उनका बेटा पैसा तो मेरे पास भी नहीं है। तो मैंने उनसे ऐसे ही कहा, मेरी पढ़ाई छोड़ दो क्या है, बोला पढ़ाई तो नहीं छोड़ना, तो क्या करूँ, आखिर मैं पीठ जमा नहीं कराऊंगा तो मैं कैसे पढ़ूंगा। उसने रुआ से मन से अपनी पैरों में बंधी हुई चांदी की कड़ियां खोलकर मेरे को दी कि इसको गिरवे रखे आ और तुझे पढ़ाई चालू रखना है। आज वो घटना आज भी याद आती है कि मेरी माँ ने मुझे पढ़ाने के लिए उनके पैरों की कड़ियां खोल करके जो चांदी की थी मुझे गिरवे रखने के लिए दी और उनको गिरवे रख करके मैं आया और फिर बोर्ड की परीक्षा जमा फीस जमा करा। वो हालात कई लोगों के सामने है थे, पढ़ाते पढ़ाते आप लोगों के सामने भी होते, आपके सामने होता है कि फीस तो आ नहीं रही लेकिन अध्यापक जो रखे उनको तो तनख्वाह देनी है, नहीं दोगे तो उनके ही बाल बच्चे हैं, वो भी तो उनके बच्चे क्या खाएंगे। ऐसी स्थिति में कई बार आप दाएं बाएं से उधार लेकर भी काम चलाते हैं कि अध्यापक को देना नहीं, इस देना नहीं। और बच्चों से जब फीस मांगते तो मार्ट साहब खा के थोड़ी भाग रहे हैं, दे देंगे ना अगले महीने दे देंगे, शायद ये समस्या आती हो। मेरी बात गलत है क्या? सही है। तो कभी कभी ऐसी समस्याएं हमारे समक्ष पैदा हो जाती है, फिर भी क्योंकि स्कूल चलाना है और सरकार का डंडा रहता है, बिना यदि फीस नहीं दी तब भी आपको टीसी तो देना ही पड़ेगा। सरकार की परेशानी अपनी जगह, आपकी परेशानी जाएगी जगह। हम ये सोचते किसी बच्चे का साल बेकार ना हो, आप ये सोचते कि ये विद्यालय चलता रहे, यदि पैसा नहीं आएगा तो विद्यालय आगे कैसे चलेगा। बिल्कुल ठीक बात है। इसलिए भाइयों बहनों, में आपके सब आभावों में संकटों में आपके साथ हूं, जो मैं कर सकता हूं शिक्षा मंत्री के नाते में हर सहायता आपकी करने को हमेशा तैयार हूं, आपके प्रति मेरे मन में सम्मान है। लेकिन मेरी इच्छा यह है कि शिक्षा में संस्कार का समावेश हो।